हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर वीडियो है फ्रेंड। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है फ्रेंड, आप देखना फ्रेंड पूरा वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, मैं आपको दिखाऊंगा ये छोटा वाला एक वाटर पम्प। सुनने में तो छोटा है लेकिन इसका पावर बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाटर पम्प है और फ्रेंड मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। ठीक है फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा देखिए। ये वाटर पम्प के बारे में मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगा, आप कैसे बनाओगे और कैसे आप इसे यूज़ करोगे और कितना फीट तक ये पानी फेंक सकता है, कितना फीट पानी खींच सकता है, मैं आपको सारे कुछ डिटेल्स में आपको दिखाऊँगा। और मैंने टेस्टिंग भी किया है, आप वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाटर पम्प है और ये इसका पावर केबल। हाँ फ्रेंड, ये 12 वोल्ट में ऑपरेट होता है, 12 से 24 वोल्ट आप इसे दीजिए, ये वो ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस लगाया। फ्रेंड, आप इसके जो सारे चीज़ें, मैंने एक 20 फीट का पाइप लिया है और एक जो ग्रीन वाला है, मैं सक्शन लिया है 5 फीट का। फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाटर पम्प है, मैंने खुद बनाया है। ठीक है फ्रेंड, आपको कैसे कहाँ से क्या कनेक्शन करना है, ये जो इधर वाला है ना, यहाँ से पानी खींचेगा फ्रेंड। हाँ, यहाँ पर हमारा ये वाला सक्शन लगेगा और फ्रेंड ये 3 जो का सक्शन होता है, ठीक है, हाफ इंच का। और फ्रेंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ऊपर वाला साइड है, यहाँ से पानी डिलीवरी देगा आउटपुट, इसका मतलब ठीक है, यहाँ से पानी फेंकेगा। और मैंने यहाँ हाफ इंच का पाइप भी लिया है, यहाँ पर मैं लगाऊँगा। देखिए फ्रेंड, मैं इसे कैसे लगा रहा हूँ। सिंपल आपको नॉर्मल जैसे पाइप लगाना है, आसानी से लग जाएगा। इसके ऊपर पैंच है और ये पानी से, पानी के प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए आपको जो साइकिल का जो ट्यूब होता है ना, वो साइकिल का बाइसाइकिल का ट्यूब लेके आपको अच्छे से बांधना पड़ेगा, बांधना पानी के प्रेशर जब बनेगा तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा और मोटर में पानी चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद ये जो सक्शन है, इसको नॉर्मल आपको ऐसे ही लगाना है, पूरा लगा देना है, कोई लीकेज ना हो। अगर यहाँ से अगर हमारा वाटर पम्प लीकेज करेगा तो पानी नहीं खींचेगा। ठीक है, यहाँ से पानी निकल जाएगा। फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, प्लीज़ एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है फ्रेंड, और देखिए सबसे पहले आपको इस तरफ से एक पानी डालना पड़ेगा इसके अंदर। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो ये पानी ऐसे ही नहीं खींचेगा। सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप वीडियो को, बहुत ही अच्छा वीडियो है। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए वाटर पम्प लाया हूँ, मैंने खुद बनाया है इसे। और देखिए आपको इस तरफ से पानी देना है, पूरा पानी देना है, पूरा एकदम भर के पानी देना है, कोई भी यार ना रहे अंदर। ठीक है, देखिए मैं जैसे पानी दे रहा हूँ, मेरा एक छोटा भाई है पड़ोसी का, वही मेरा हेल्प कर रहा है। देखिए किस तरफ से वो पानी दे रहा है, आपको भी ऐसे ही करना है। फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में आपको बना के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसका जो जितने सारे स्पेशलिटी है मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने पानी अंदर पूरा भर दिया, इसके बाद मैंने पाइप भी लगा लिया। और ये जो हमारा, ये देखिए, ये मेरे पास UPS है, इसके अंदर एक 12 वोल्ट का बैटरी होता है। ठीक है, तो मैं बैटरी को बाहर नहीं निकलूँगा, यहाँ पर मेरा आउटपुट का बैटरी का जो होता है ना, देखिए 12 वोल्ट, मैं यहाँ पर ही, वो जो मेरे पास जो कनेक्टर है यहाँ पर मैं लगा दूंगा, तो यहाँ पर 12 वोल्ट DC हमारा आउटपुट होता है। तो आप इसे आउटपुट के जो वायर है यहाँ पर मैं सिंपल लगा दूंगा और ये चल जाएगा। ठीक है बहन, देखिए यही हमारा वो वाला वायर है। आप चाहो तो बैटरी से भी लगा सकते हो, और आपके पास अगर कोई एडेप्टर होता है तो उससे भी आप चला सकते हो। SMPS जो पावर सप्लाई होता है ना 12 वोल्ट का, देखिए बहन लगाते हैं, हमारा पानी खींच लिया, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है फ्रेंड, क्या बताऊँ। ये जो हमारा बाल्टी है इसको क्या बताऊँ, 30 सेकंड के अंदर ही इसका पूरा पानी खींच लेता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, आप देखिए। और फ्रेंड, मेरा बैटरी में चार्ज कम है इसलिए पानी थोड़ा कम दे रहा है, लेकिन नहीं फ्रेंड ये बहुत पानी है। आपको देखिए आप ध्यान से, आपको कैमरा में इतना अच्छे से मैं नहीं दिखा सकता हूँ। देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, क्या बताओ फ्रेंड। अगर मैं पानी को बाहर फेंकूँगा तो ये एक मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा पानी फेंक देगा। और मेरे बैटरी में चार्ज भी थोड़ा कम है, अगर आप इसको 24 वोल्ट से ऑपरेट करोगे तो ये प्रेशर इससे 2 गुना हो जाएगा। 24 वोल्ट 5 एम्पियर का आप एक चार्जर बनाइए और उससे ऑपरेट करिए, बहुत ही अच्छा वर्किंग करेगा। फिर भी इससे ही वो बहुत ही अच्छा वर्किंग करता है, देखिए पानी कैसे फेंकता है।
देखिए फैन बहुत ही दूर पानी फेंकता है। ठीक है फैन आप देखिए, मैं इससे भी हार्ड जो हमारा होता है ना टेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा हार्ड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, कितना फीट से पानी खींचता है वो भी दिखाऊंगा। आप बस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसका प्रेशर क्या बनता हूँ फैन, आपको कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा लेकिन इसका प्रेशर बहुत ही अच्छा प्रेशर है, ये बहुत ही अच्छे से पानी को खींच रहा है। ठीक है अब देखिए फैन, मैंने इसका जो टेस्टिंग किया है, मेरा छत के ऊपर जो वायल है उसके ऊपर मैंने इसे लगा दिया ईंट के सहारे। अब देखते हैं यहाँ से पानी खींच पाता है कि नहीं। फैन लगभग 4 फीट का हाइट में मैंने लगाया है, देखते हैं यहाँ से पानी खींचता है। देखिए फैन यहाँ से तो भी बिल्कुल आसानी से पानी को खींच लिया, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है फैन, बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ। अगर आप इसे बनाते हो और आपका बाइक वगैरह सब कुछ इससे धो जाएगा फैन, ये तो 20 फीट तक पानी खींचता है। 20 फीट मतलब आपका जो दो वाला जो हमारा मंजिल होता है ना, सेकंड फ्लोर तक आपका पानी चल जाएगा, ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर पर आपका पानी आराम से उठाएगा, लेकिन आपको 24 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए फैन बहुत ही ज़्यादा इसका प्रेशर है और पानी बहुत ही अच्छे से खींच रहा है फैन। मैं आपको और भी अच्छे से टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। देखिए हमारा वो जो UPS है उसके अंदर एक 12 वोल्ट का बैटरी होता है, तो मेरा भाई आपको दिखा रहा है किस तरफ से। देखिए कोई फेक वीडियो नहीं है फैन, बहुत ही अच्छा है, प्रेशर भी अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा ही है फैन, बहुत ही अच्छा। आप बस देखते रहिए, आपको मज़ा आएगा। और फैन ये वीडियो को कैप्चर करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है फैन, प्लीज़ लाइक कर दो, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है फैन, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए सिर्फ। देखिए फैन हम इसके टेस्टिंग बहुत ही टॉप कर दिया है, मैंने एक लकड़ी लिया है और उसके ऊपर मैंने इसे बांध दिया है। देखिए हमारा वही सेटअप है, कोई फेक नहीं है, और ये लगभग क्या बताऊँ फैन, ये 10 फीट तक मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फैन अगर मेरे पास 24 वोल्ट की सप्लाई होती, वो बिलाल मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैंने टेस्ट किया था, वो जो हमारा सेकंड फ्लोर तक आपका पानी फेंक देगा, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा है, पानी फेंकता है बहुत ही ऊँचा तक। देखिए मैं जितना हो सके आपको दिखा रहा हूँ, भाई ठीक से आपको दिखाई नहीं पा रहा है फैन, देखिए फिर भी ये पानी को फेंक रहा है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको कैमरा में इतना ध्यान, देखिए फैन ये गिर गया, पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है फैन, लगभग क्या बताओ पूरा पानी खींच रहा है, और हमारा यहाँ से एयर भी ले रहा है। देखिए फैन बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है पानी का, लगभग बहुत बार मैंने इसका बाल्टी को भरने के लिए कोशिश किया फैन, एक मिनट भी नहीं जा रहा है, पूरा पानी को खींच लेता है फैन। मैंने फिर से लगाया और मैं आपको दिखाता हूँ फिर ऊपर, देखिए आप मेरा भाई धीरे धीरे ऊपर से उठा रहा है और पानी भी ऊपर ही जा रहा है फैन, आपको ऐसा करके कोई भी नहीं दिखाएगा फैन। अगर आपको ये वाटर पंप बनाना है तो मुझे कमेंट कर दो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो फैन तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर फैन।